अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज खुर्रम निसार, वेलकम माय चैनल किंग्स ग्रो टेक्नोलॉजी। आज मैं आपके लिए हीट गन की रिपेयरिंग लेके आया हूँ। ये अभी तो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसका प्लग में शूल कहेंगे, तो ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी तो बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, दोनों स्पीडों में काम कर रही है सही तरीके से। तो इसमें क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी, वो आगे चल के इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। तो इसकी रिपेयरिंग करते हैं, कैसे इसकी रिपेयरिंग हमने की है इसको चेक करते हैं। जी मैंने इसको शू में लगा दिया, इसके प्लग को चेक करते हैं इसको। बोर्ड को चेक कर लेते हैं, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल परफेक्ट, 233-234 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब इसको चेक करते हैं दोबारा प्लग लगा के कि हीट मशीन काम कर रही है कि नहीं। जी बिल्कुल काम नहीं कर रही, तो चेक करते हैं अब इसमें क्या फॉल्ट है। दूसरे में लगा के दोबारा भी चेक कर लिया, नहीं चल रही। तो मैं जल्दी से मशीन को खोल के आपके पास हाज़िर होता हूँ। जल्दी से इसको खोल लेता हूँ मैं, फिर हाज़िर होता हूँ आपके पास। काम पेज मैंने एहतियात से खोल लिए हैं, अब इसको खोलते हैं। फ्रंट से इसका कवर उतारेंगे और एहतियात से इसको खोल लेंगे मशीन को। इसके बाकी के भी पेज खोल लेंगे, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, इसका आगे क्या करना है इसमें। तो चल के आगे देखेंगे, पहले ये बाकी के पेज खोल लें इसके। एहतियात से इसको खोल लेंगे मुकम्मल। जी ये देखें, ये अंदर से कुछ इस तरह की नज़र आएगी। इसके ये तीन पेज भी खोल लेंगे हम, जो राउटर में लगे हुए हैं। जी ये खोल लिया है, और अब अंदर ये लॉक लगे हुए हैं पत्री के, इनको भी प्लास की मदद से खोल लेंगे सीधा करके। तो इसको एहतियात से निकाल लेंगे, इसको सीधा करके तसल्ली से, एहतियात से। ये ऊपर शीट लगी होती है, इसको हटा लेंगे और पत्री को बाहर निकाल के इसको आराम से एलिमेंट को बाहर निकाल लेंगे। अब एहतियात से इसको चेक करेंगे कि इसमें कोई पॉइंट ब्रेक तो नहीं हुआ हुआ। तसल्ली से इसको हर तरफ से चेक कर लेंगे और खींच के इसको हल्के से चेक कर लें कोई पॉइंट ब्रेक तो नहीं हुआ होगा। जो पॉइंट ब्रेक हुआ होगा उसको फिर रिपेयर करेंगे। ये देखिए, ये एक पॉइंट ब्रेक हो चुका है, इसका टूट चुका है इसका। तो इस पॉइंट को हम हल्का सा खींच के इसको दोबारा साथ जोड़ के तो इसको रिपेयर कर देंगे इस तरह, बिल्कुल प्लास की मदद से। इसको अच्छे से टाइट कर लीजिएगा, लूज़ ना हो। लूज़ होगा तो फिर इसमें स्पार्क होगा, उसकी वजह से इसका फिर जलने का मसला हो जाएगा, फिर जल सकता है ये। तो एहतियात से इसको सेट कर लें, आपस में पॉइंट कोई भी नहीं जुड़ना चाहिए। अच्छे से इसको नाखूनों से सेट कर लीजिएगा, टाइट कर दीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। जी ये बिल्कुल रिपेयर हो गया हुआ है। अब दोबारा से उसका कवर चढ़ा देंगे ऊपर, जो सिरेमिक कवर होता है इसका। एहतियात से इसको हमने चढ़ा लिया इसके ऊपर, पतरी लगा दी है मैंने इसकी, उसके लॉक सेट कर दिए हैं। इसको जल्दी से मैं सारी फिटिंग करके आपके पास हाज़िर होता हूँ। जी मैंने इसकी सारी फिटिंग कर ली है, अब इसको शू में लगा के दोबारा चेक करेंगे। जी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है, इसकी सारी फिटिंग दोबारा से मैं करके सारे पेज लगा के तो हाज़िर होता हूँ आपकी खिदमत में। जी मैंने मुकम्मल इसकी फ़िटिंग कर ली है, ये देखिए सारे पेज लगा के मैंने इसकी मुकम्मल फ़िटिंग कर ली है। तो अब दोबारा से इसको शू को प्लग में लगा के चेक करते हैं।
जी फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस लेके आता रहता हूँ, वो आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।